अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक और नई फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका निकल कर आ रही है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर की तरफ से आपकी वैकेंसी निकल कर आ रही है। NHM के अंडर आपकी वैकेंसी है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितनी पोस्ट पर निकली है, क्या इसमें पे स्किल रहने वाला है, कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आगाने वाले वीडियो में हम और नई गवर्नमेंट प्राइवेट रिगार्डिंग फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बिना स्किप कीजिए इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, NHM के अंडर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है, जो कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने का डेट है 8 जून 2023 को आपकी ये नोटिफिकेशन आपका ये रिलीज़ हो चुका है, जो कि आपके जशपुर में आपकी NHM में रिगार्डिंग वैकेंसी पर आपकी ये निकली है। एंड जो उसमें बात करते हैं, जो उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यह डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ना। पढ़ने के बाद में आपको अपना ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म जमा करना है। एंड जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 25/6/2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, याद रहे 25 तारीख से। आपको पहले अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। 25/6/2023 आपको अप्लाई करना है। तो हमारी जो वैकेंसी है फॉर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं हमारी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी हमारी एक निकली है। एंड जो बैचलर उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन इन द CG फार्मेसी काउंसलिंग, फार्मेसी पैरामेडिकल काउंसलिंग में आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एंड बैचलर और डिप्लोमा आपका क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर 16,500 रुपये आपको यहाँ पर पे स्किल दिया जाएगा। एंड आपकी जो लास्ट डेट के बारे में बात की है 25/6/2023 शाम 5 बजे तक आपको ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। एंड जो बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, या आपको यहाँ पर नंबरिंग एंड ग्रेडिंग दी जाएगी इस बेस पर। एंड जो यहाँ पर रहने वाला है चयन का आधार यहाँ पर रहने वाला है, जो कि आपकी फार्मासिस्ट के लिए जो चयन का आधार रहने वाला है कौशल दक्षता परीक्षा साक्षात्कार लिखित परीक्षा के आधार पर आपके यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, उसकी बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। एंड जो इसकी लास्ट डेट है हमने पहले ही बता दी 25/6/2023 की लास्ट डेट। अगर आपने बी फार्म किया हुआ है, अगर आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आने वाली वीडियो में हम और नई फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी बात करेंगे तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का छत्तीसगढ़ से मांगा गया है। छत्तीसगढ़ में आप रजिस्टर हो एज अ फार्मासिस्ट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।